प्रकाश की ओर एक हम सप्ताह मना रहे हैं 10 दिन का, और उसमें हम लोगों को ये बता रहे हैं कि आज जो हमारे समाज की जो ज्वलंत समस्याएं हैं वो अपने प्रभु को मानने के बाद ही जो है हम उसको हल कर सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि उसने सबको मार्गदर्शन किया, उसके पास सारे इंसान बराबर हैं, और हम धर्म परिवर्तन में नहीं बल्कि मन परिवर्तन भी विश्वास रखते हैं। हम कहते हैं इंसान का अगर मन बदलेगा तो समाज दुरुस्त हो सकता है। इसके लिए हम जितने भी आज खुले गए हैं, जैसे ऑफिस खुले हुए हैं, जितने कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, हम सब जगह जाएंगे, हर मर्द और हर औरत और हर बच्चे से हम मिलने की कोशिश करेंगे। ऐसा 6 करोड़ लोगों तक हम अपने पैगाम को पहुंचाएंगे, जो जमात इस्लामी दीन का संदेश है, जो 80 साल से काम कर रहे हैं। किसानों के संदर्भ में आपका क्या स्टैंड है? किसानों के संदर्भ में है कि उनके समस्याएं हल होना चाहिए। वो हमारा बहुत बड़ा, ये जितने स्तंभ इन्होंने बताए ना, ये स्तंभ भी है हमारा, मीडिया भी एक स्तंभ है। हम समझते हैं कि सबसे बड़ा मेन स्तंभ हमारा जो है किसान है, उसकी समस्याओं को अगर हम सुलझाएंगे और अगर वहां से अच्छी फसल मिलेगी तभी हमारी आगे की नस्ल भी आगे बढ़ सकती है। तो हम उनका फुल सपोर्ट करते हैं। हम कहते हैं उनसे डिस्कशन करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, और वो जिसको ठीक समझते हैं ऐसे कानून लाना चाहिए। औरंगाबाद और संभाजीनगर का विवाद चल रहा है, इस पर क्या स्टैंड है आपका? मैं वही बोल रहा हूँ, हमारे पास नाम की कोई अहमियत नहीं साहब। एक आदमी का नाम जियाउलख रह गया क्या, और सत्य प्रकाश रहा तो क्या? अब वो सत्य प्रकाश रहा तो खराब, जियाउलख रहा तो अच्छा, हम ऐसे बोलने वालों में से नहीं है। हम बोलते हैं कि वहां अच्छा होना चाहिए, इस पे सोचिए, आप अभी नाम भी लड़ रहे हैं, अरे वहां अच्छा करो, ऐसा नमूने का बनाओ कि पूरी दुनिया में औरंगाबाद का नाम होना चाहिए। तो हम नामों के इसमें ज्यादा परेशान नहीं हैं, हम चाहते हैं कि कैफियत बदलना चाहिए। इन्होंने कहा आस्था बदलना चाहिए, आचार बदलना चाहिए, विचार बदलना चाहिए। इस्लामिक धर्म अंधेरे से उजाले की ओर नहीं जाना चाहता, बहुत सारे इस्लामिक ऐसे ही हैं कि जो प्रकाश की ओर नहीं जाना चाहते, इसके लिए जी मैं क्या कह रहा हूँ, हर धर्म जो दुनिया में आया वो अंधेरे से प्रकाश की तरफ ही ले जाने वाला है, और लोगों ने उसकी व्याख्या अलग अलग कर दी है, इसलिए आप गलतफहमी में पड़े हुए हैं। अब इस्लाम से मुताल्लिक भी आतंकवाद के जो सवाल पैदा हो गए वो कुछ गलतफहमियों के नतीजे में, कुछ मुसलमानों के आचरण के नतीजे में। हम ये चाह रहे हैं कि हर धर्म को आप समझिए, एक ही धर्म नहीं। देखिए जब माँ खुदा एक है, मानव एक है, तो धर्म भी एक ही है। हम सब का धर्म एक ही, अगर हमको हम डिस्कशन करेंगे तो इंशाल्लाह हम सब एक ही रास्ते पे आएंगे, एक ही सीधा चलेंगे। तो जब उजाला एक है तो धर्म कैसे अलग अलग हो सकते हैं? पहले लोग ये कहते थे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुनिए, ये गरिमा नहीं है पद की। लेकिन आप देखेंगे अब लोग कोई कहता है कि फेको, कोई कहता है पप्पू, तो ये हमारी भारत की महानता है। कहां से हम चले थे, कहां हमको लेके जाना है, पूरे पथ प्रदर्शन करना है पूरी दुनिया का। तो ये हुआ नशा और ड्रग्स कैसा हमारे पास फैला, कितनी आज भी जो है ना मौतें हो रही हैं जहरीली शराब पीकर। ड्रग्स के लिए अच्छे अच्छे लोग, फिल्मी दुनिया के लोग और बड़े लोग जो है उसके अंदर पकड़े जा रहे हैं। हमने लिव एंड रिलेशन बना दिया, हम होमोसेक्सुअलिटी को आम कर रहे हैं, तो क्या फिर इसके बाद जीवन में हमारे सुकून आया? आज जो हमारी आर्थिक स्थिति हुई है, हाल ये है कि एक जमाने में भारत जो है दुनिया का अमीर तरीन देश था, चीन हमारे से 1/3 था, फ्रांस हमारे से 1/6 था, आज किस तरीके से आज हमारी GDP जो है निगेटिव में आ रही है। तो ये बहुत सी समस्याएं, आज हमारे देश की 40% जो है संपत्ति 1% लोगों के अंदर आ गई है। तो ये लोग जो है अपने माँ बाप को भी नहीं मान रहे हैं। आप इतना बताते हैं कि माँ कैसी होनी चाहिए, माँ कैसा है, लेकिन हमने कोविड में देखा लोग अपने माता पिता को ना खबर में डालने को जा रहे हैं, ना जलाने के लिए जा रहे हैं। माता पिता के साथ ये व्यवहार है तो दूसरे इंसानों के साथ क्या होगा? हमारी एजुकेशन व्यवस्था के अंदर क्या हुआ है? क्या हमारे ये जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं ये सुकून पा रही हैं? इनके सामने कोई प्रत्यक्ष है कि हम एक बहुत अच्छे हो जाएंगे, हमारी समस्याओं का हल होगा? तो ये जो अंधकार है हर एक के सामने, घबराहट है, बेचैनी है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो हम इसके जरिए से डायलॉग्स कर रहे हैं। क्या ये हम सब मिलकर सोचेंगे ना इस सिलसिले में? किसी एक के पास नहीं हो सकता है, हम सबका खुदा तो एक ही खुदा है, लेकिन सबके जहन अलग है हमारे, सबके माइंड्स अलग है, सबके विचार अलग है। तो हम चाहते हैं कि सर इसके अंदर डिस्कशंस करें, अगर किसी के पास कोई मुद्दा है तो वो लाए। अब मैं आपको बताता हूँ जमात इस्लामी के, जैसे आप देखेंगे जितनी भी राजकीय पार्टियां हैं हमारी, वो ही कहती हैं कि सब हम आए तो भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, हम आए तो बलात्कार खत्म कर देंगे। तो क्या आप समझते हैं कोई पार्टी ऐसी है हमारे पास?
कोई पार्टी कर सके या पूरा विश्वास के साथ कोई आदमी आपने से कहे साहब ये पार्टी आई तो भारत का बलात्कार रुक जाएगा और भारत का भ्रष्टाचार रुक जाएगा। मैं आपको कहता हूं हम जो 80 साल से कोशिश कर रहे हैं, आप हमारे भारत में ऊपर से लेके नीचे तक और इधर आसाम से लेके राजस्थान तक जितने भी हमारे यूनिट्स हैं काम कर रहे हैं, हमारी जमात में एक भी भ्रष्टाचारी नहीं, एक भी जो है ना बलात्कारी नहीं, बल्कि व्यभिचारी भी नहीं। तो ऐसा समाज बनाने में हम खुश हैं, हमसे कोई झूठ बात नहीं करता है, हमारे आपसी रिलेशन अच्छे हैं, हम बहुत सुकून पा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि लोग भी देखें सांप्रदायिक सद्भाव, एक दूसरे से मोहब्बत और इंसानों के बीच में सही सोच को प्रमोट करना, ये जमात का अहम उद्देश्य है। और इस उद्देश्य के साथ साथ इस जमीन में सुकून और अमन के साथ साथ इस हमारी जिंदगी की बात, जमीन की जिंदगी खत्म होने के बाद जो हमारा पुनर्जीवन होगा, जो हमारा विश्वास है, जो इस्लाम का विश्वास है कि हम सबको मरने के बाद फिर से खड़ा करेगा ऊपर वाला और पूछेगा कि तूने जमीन पर क्या किया, अपनी जिंदगी कहाँ बिताई, कैसे बिताई। तो वो जो दूसरी जिंदगी हमारी है उस जिंदगी में भी हम सुकून के साथ रहे, कामयाब कहलाए और इसी मत को इसी धारणा के साथ हम नागपुर शहर में सालों से काम कर रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रेस रिलीज आपके पास आपके टेबल्स पर है, आपने उसे देख चुका है और न सिर्फ आपने उसको देखा है बल्कि जमात को भी देखा है और मुझे भी देखा है। हमारे अतिथिगण लातूर से और औरंगाबाद से हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि अब आप उनसे मुखातिब हो और अपने प्रश्न, अपनी चीज़ें उनसे पूछें। जो चीज़ें नागपुर शहर की हद तक होंगी उसका जवाब मैं खुद दूंगा इंशाल्लाह।